हेलो एवरीवन, ड्रीम फ्लावर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिना याद किए कैसे लिखे एप्लीकेशन। मतलब एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े समझे और फिर लिखना शुरू करें। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं हम कैसे लिखें एप्लीकेशन। क्वेश्चन में कहा है यू आर मोनिका शर्मा, आप मोनिका शर्मा हो, मतलब इसमें नाम आपका मोनिका शर्मा बताया गया है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ है, आप दसवीं के स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में आप पढ़ती हो। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम आपको एक लेटर लिखना है फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। यू हैव टू सबमिट इट, तुम्हें इसे जमा करवाना है विद योर एडमिशन फॉर्म, अपने एडमिशन फॉर्म के साथ एट द पॉलीटेक्निक कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज में। मतलब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इसमें आपका नाम मोनिका शर्मा बताया है, आप क्लास टेंथ में पढ़ती हो और आपके स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट है। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यू हैव टू सबमिट इट, तुम्हें इसको जमा करवाना है योर एडमिशन फॉर्म के साथ फ्रॉम एट द पॉलीटेक्निक कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज में। तो सबसे पहले देखते हैं टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। क्वेश्चन में प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा था और स्कूल का नाम इसमें दिया था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, इसलिए हमने यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट लिखा है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट में हमें लिखना है एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा था। यदि यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखने के लिए कहा जाए तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखना है, यदि आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिखने के लिए कहा जाए तो आपको यहाँ पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ ऑफ योर स्कूल, ये वाला सेंटेंस हम हर एप्लीकेशन में लिखते हैं और क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन में आपको कक्षा दसवीं का विद्यार्थी बताया गया था, इसलिए एप्लीकेशन में हमने यहाँ पर लिखा है आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ ऑफ योर स्कूल। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है यू हैव टू सबमिट इट, तुम्हें इसे जमा करवाना है विद योर एडमिशन फॉर्म, अपने एडमिशन फॉर्म के साथ एट योर एट द पॉलीटेक्निक कॉलेज में। अब इस सेंटेंस को हमें एप्लीकेशन के अंदर फिट करना है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि तुम्हें इसे जमा करवाना है इट, इट मींस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और कहाँ जमा करवाना है विथ योर एडमिशन फॉर्म, तुम्हारे एडमिशन फॉर्म के साथ एट द पॉलीटेक्निक कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज में। तो हमें इस सेंटेंस में क्या चेंज करना है, यू के स्थान पर हमें लिखना है आई, तो बनेगा आई हैव टू सबमिट, और इट के स्थान पर लिखना हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो बनेगा आई हैव टू सबमिट कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद योर एडमिशन फॉर्म, तो योर के स्थान पर हमें लिखना है माई एडमिशन फॉर्म एट द पॉलीटेक्निक कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज में। तो इस सेंटेंस को उठा के हमें एप्लीकेशन में फिट करना है, तो आंसर हमारा बनेगा आई हैव टू सबमिट कैरेक्टर सर्टिफिकेट
विद माई एडमिशन फॉर्म एट द पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है आई हैव टू सबमिट कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद माई एडमिशन फॉर्म एट द पॉलिटेक्निक कॉलेज। इसके बाद में आगे हमें लिखना है सो आई नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। काइंडली इशू मी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने की कृपा करें। अगर आपको क्वेश्चन में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूलिंग सर्टिफिकेट लिखने के लिए कहा जाए तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के स्थान पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखना है, यहाँ दोनों जगह पर। तो आपकी एप्लीकेशन बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद हमें उसके नीचे लिखना थैंकिंग यू यूअर्स ओबिडेंटली मोनिका शर्मा। यहाँ पर नाम हम वही डालेंगे जो क्वेश्चन में बताया जाए, तो क्वेश्चन में आपका नाम मोनिका शर्मा बताया गया था इसलिए हमने मोनिका शर्मा यहाँ पर लिखा है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।